कल डॉक्टर्स को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, ट्वीट कर कही ये बात। कल दोपहर 3 बजे डॉक्टर्स को करेंगे संबोधित। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 94 नए मामले आए सामने, 6 लोगों की हुई मौत। अमूल दूध के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी, कल से सभी राज्यों में लागू होगी नई कीमत। एक दिन पहले मनाया गया अखिलेश यादव का जन्मदिन, 2022 चुनाव में जीत को लेकर की प्रार्थना। गाजीपुर बॉर्डर पर बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच झड़प, जमकर चले लात घूंसे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं शिवम यादव। केंद्र की मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर हंगामा खड़ा हो गया। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसमें दोनों गुटों के लोगों को चोट लगी है। वहीं इसको लेकर भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित बाल्मीकि ने कहा कि मेरे काफिले पर कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके राकेश टिकैत के इशारे पर हमला किया गया है। जब किसी नेता का स्वागत कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जाता है तो निश्चित रूप से ढोल ताशे ये सब बजाए जाते हैं। और मैं तो बहुत लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का काम प्रत्येक मंडल और बूथ स्तर तक कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे से कार्यकर्ता भी नीचे तक का जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सब में जोश था कार्यकर्ताओं में। और जो लेकिन वो काले झंडे दिखाते दिखाते और जिस प्रकार से उग्र हुए वो मतलब बिल्कुल निंदनीय है। और उन्होंने दलित समाज का अपमान किया है। पहले वो लोग, जैसा कि मुझे बताया, पहले वो लोग चले गए थे, लेकिन जैसे ही मेरी गाड़ी आई और वो तुरंत वहाँ पहुँच गए और उन्होंने गाड़ियों में। लखनऊ में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक दिन पहले जन्मदिन मनाया गया। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा और सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा मोतीनगर लीलावती मुंशी निराश्रित बालगृह में अखिलेश यादव का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। वहीं बालगृह के बच्चों द्वारा अखिलेश यादव के जन्मदिन का केक काटा गया और बच्चों में अनीस रजा द्वारा गिफ्ट भी बांटे गए। सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं ने अपने सपा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की दीर्घायु की कामना की और 2022 चुनाव में जीत को लेकर प्रार्थना की गई। देश की आस और विश्वास, लाखों करोड़ों नौजवानों की उम्मीद, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अखिलेश यादव जी का कल जन्मदिन है, जिसकी पूर्व संध्या पर हम लोग इस आश्रम में आकर के यहाँ बच्चों के साथ उनका जन्मदिन को मनाने का काम कर रहे हैं। अभी बच्चों ने केक को काटा, उसके बाद हम उनको बच्चों को गिफ्ट देने का काम करेंगे। और बड़ी सादगी के साथ इस जन्मदिन को इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है। कोविड का दौर होने की वजह से लास्ट ईयर भी हम लोगों ने इसी तरह से सादगी से उनके जन्मदिन को मनाने का काम किया था, ठीक उसी तरह। दिल्ली और लखनऊ में राजनीति गर्म होने के बाद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद का आगमन गोरखपुर हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नौशर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। हालांकि पूरे कार्यक्रम के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। ये मेरा समाज है, सदियों से 70 साल से सताया जा रहा था, इन्होंने देश को आज़ाद कराया था। इनका कोई वकील नहीं था जो प्रधानमंत्री तक अपनी बात आवाज़ पहुंचा सके। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय पार्टियां था वहां तक नहीं आवाज़ पहुंच रही थी। आज इनके बदौलत इनकी खुशी है कि हमारा जो मुद्दा है आरक्षण का, कि जो संविधान में लिखा मझवार गौण तुरिया खरवार बेलदार, कि मझवार की प्रयवाची केवट मल्ला है, राष्ट्रपति ने दस्तखत कर रखा है, लेकिन बेईमानों ने इनकी पुकारू और उपजातियों का नाम पिछड़ी में डाल के 70 साल से इनका लूट रहे हैं। लेकिन जो भी राजनीति आए वो अत पिछड़ी जात में हम शामिल करने गुमराह करते रहे। आज पहली बार वकालत हुई है दिल्ली में, पूरे देश में मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि आज पहली बार इनका सही
जो सही माने में राष्ट्रपति ने लिखा है संविधान में कि मझवार ही हैं ये, केवट मल्ला जो है उनकी उपजाति हैं, इन्हें जल्दी मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मंशा सही है, अगर नहीं सही होती तो काहे को सामाजिक न्याय समिति बनाती। माननीय योगी आदित्यनाथ की मंशा हमारे समाज के प्रति सही है, तभी उन्होंने 7 बार अपने मुँह से तमाम वीडियो क्लिप में अपनी आवाज़ उठाई दिल्ली तक, उसी मंशा को धरातल पर लागू करने का जो अभी चल रहा है। आजमगढ़ में सपा समर्थक गुड्डू एमएलसी का बीडीसी को धमकाने का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव में बीडीसी को प्रलोभन और तमाम तरह के लालच दिए गए, अगर वोट नहीं दिया जाएगा तो काम नहीं होगा, इस तरह का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में महाराजगंज ब्लॉक के राकेश यादव गुड्डू एमएलसी द्वारा अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जीत दिलाने के लिए फोन पर बीडीसी को पैसे का प्रलोभन और धमकाने की बात सामने आई है। इस मामले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने कड़ा विरोध जताया है। वहीं आगरा के पिनाट में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पीड़ित महिला ने इसको लेकर कोई कार्रवाई न होने पर खुद को परिवार समेत अपने घर में बंद कर लिया गया। वहीं इसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस वायरल वीडियो में पति पत्नी ने बच्चों समेत बीमार होने का हवाला दिया है। इसको लेकर कांग्रेस नेत्री से फोन पर पीड़िता के द्वारा मदद भी मांगी गई। वहीं पति ने बच्चों समेत आत्महत्या की धमकी भी दी है। इस पूरे मामले की जांच पिनहाट पुलिस कर रही है। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में दहेज का मामला सामने आया, जहां युवती के परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला को ससुराल वालों के द्वारा जिंदा जला दिया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जलती चिता से मृतका की अस्थियां और साक्ष्य जुटाकर जांच के लिए भेजा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कानपुर के अकबरपुर के रहने वाले दिनेश शर्मा ने अपनी बहन संगीता की शादी 4 साल पहले अजीतमल के चपटा में की थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ससुराल वालों के द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग की जाने लगी। घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों का आरोप है कि उनकी बहन की ससुराल में मौत होने के बाद पड़ोसियों के द्वारा सूचना दी गई, लेकिन जब वो गांव पहुंचे तो पता चला कि ससुराल वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। पूरे मामले में एसपी अपर्णा गौतम का कहना है कि साक्ष्य जुटाकर कार्रवाई की जा रही है। ये सूचना कल मृतका के परिजनों द्वारा दी गई थी कि उसके ससुराली जनों द्वारा उसका शव जो है वो उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उनको ये शंका है कि उसके साथ कोई अप्रिय घटना की गई है। जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो वहां पर जो विवाहिता का शव था उसको अंतिम संस्कार उसका कर दिया गया था। जो भी फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य संकलन उसमें किया गया है, वहाँ से एविडेंस हमारे द्वारा उठाए गए हैं। जो मायके पक्ष के लोग हैं, जो मृतका के परिवारजन हैं, उनके द्वारा 300। वहीं समाजवादी पार्टी के एमएलसी जितेंद्र यादव पर सिकंदराबाद कोतवाली में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि जितेंद्र यादव के वेयर हाउस में ऊंचाई से गिरने से मजदूर की मौत हुई थी, जिसके बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक मजदूर के भाई की तहरीर पर जितेंद्र यादव और ठेकेदार पर मामला दर्ज हुआ है। थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक वेयर हाउस है जहां पे एक मजदूर कार्य कर रहे थे छत के ऊपर, और छत से गिर जाने के कारण उनकी चोट लगी है। इसमें जो मृतक है उनके परिवारजनों द्वारा अभी पंजीकृत थाने पे कराया गया है कि वेयर हाउस मालिक और ठेकेदार की वहीं बुलंदशहर के देहात कोतवाली में कुछ शरारती तत्वों द्वारा सोसाइटी में बने मंदिर को तोड़ने की धमकी दी गई। वहां पर कहा गया है कि अगर मंदिर बना तो बुलडोजर चढ़वा देंगे। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि पिछले 4 साल से यहां मंदिर बना हुआ है। मंदिर की जगह छोटी होने के कारण लोगों को पूजा करने में परेशानी होती थी, जिसके बाद मंदिर को थोड़ा बड़ा करने को कहा गया, जिसके बाद सोसाइटी के ही कुछ शरारती तत्वों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। मामला यह था, यहाँ वरन अपार्टमेंट में पिछले 4 सालों से यहाँ मंदिर बना हुआ है। अभी मंदिर छोटा होने की वजह से लोगों को थोड़ी असुविधा होती थी पूजा करने में, क्योंकि सोसाइटी में अब काफ़ी लोग आ चुके हैं, पौने 300 फैमिलियाँ हैं यहाँ पे। तो हमने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इसमें चल ही रहा था काफ़ी टाइम, आप देख ही रहे हैं काफ़ी काम हो चुका है ऑलरेडी। आज कुछ शरारती तत्व आए और इसको तोड़ने की बात करने लगे। कौन थे वो, ये जानकारी पूरी अभी नहीं है कि कौन कौन लोग थे वो। वहीं केंद्र की मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन के बीच
गाजीपुर बॉर्डर पर बुधवार को हंगामा खड़ा हो गया। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसमें दोनों गुटों के लोगों को चोट लगी है। साथ ही गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि करीब 70 से 80 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, जबकि किसानों की ओर से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गाली देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज हम सभी लोग वहां पे खड़े हुए थे और बहुत ही शालीनता से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हमारे प्रदेश मंत्री जी हैं अमित वाल्मीकि जी, जो हमारे पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है वाल्मीकि समाज को, और हम लोग बहुत शालीनता से खड़े हुए थे। इतने में वहां राकेश टीका जी के जो गुंडे हैं वो सभी आए, तलवार भाला और जितने भी उस तरह का सामान हो सकता है जिससे वो आक्रमण कर सकते हैं। हमारी कितनी बहनें चोटिल हो गई, जो अभी हमने फ़ोन किया वो आने की कंडीशन में नहीं है। बहनों की गाड़ियों को तोड़ दिया गया, सब हमारे अध्यक्ष जी जो अमित वाल्मीकि जी आए थे प्रदेश मंत्री, उनकी पूरी गाड़ी तोड़ के तहस नहस कर दी गई। तो हम यही चाहते हैं कि जो आज हमारे वाल्मीकि समाज पर ये हमला। वहीं जालौन के कौंच नगर क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध पहलवान सौरभ गुर्जर पहुंचे। कौंच नगर क्षेत्र में आशीर्वाद होटल में आयोजित किए गए सम्मान समारोह में उन्होंने युवाओं को जीवन के मूल मंत्र दिए। वहीं उन्होंने कहा कि आप लोग अपने जीवन में माँ बाप की बात हमेशा मानना सीखें, उनका दिल कभी ना दुखाएं। साथ ही उन्होंने युवाओं को फिट रहने के कई टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा कि जीवन में यदि ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ के युवाओं में वो जज्बा है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय WWE रेसलर बनने के लिए चाहिए होता है। कार्यक्रम के बाद सौरभ गुर्जर एक जिम भी गए, जहां उन्होंने युवाओं को कुछ टिप्स भी दिए। थैंक यू वेरी मच, ये इतना प्यारा सा वेलकम जो मेरा हुआ यहाँ पे। मैं कौंच एक दो बार पहले भी फैमिली रिलेटिव्स के चक्कर में आया हूँ, बट ऐसे पहली बार आया हूँ एज ए गेस्ट। आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद पूरे कौंच को। अच्छा, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं और युवाओं की पहचान है, युवाओं क्या महसूस है? युवाओं एक्चुअली आने वाला जो समय है वो सारा का सारा युवाओं का है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, हमारे देश की पूरी गवर्नमेंट। आगरा के जगदीशपुरा के सेक्टर 4 में बदमाश के तमंचे पर दुकानदार के झाड़ू का जादू देखने को मिला। बता दें कि बदमाश तमंचा दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देने आए थे, जिसके बाद मौके पर मौजूद दुकानदार ने बदमाश को झाड़ू से खदेड़ा। वहीं बदमाश बिना लूट किए मौके से फरार हो गया। ये पूरा मामला CCTV में कैद हो गया, जिसके आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस अब जाँच में जुटी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जिला कार्यालय पर समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी ने प्रशासन और माफियाओं पर गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि चेखुर पांडे सोनभद्र जिले से समाजवादी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी हैं। चेखुर पांडे ने बताया कि चुनाव लड़ने पर आप उनको माफियाओं द्वारा घर गिराने और स्कूल गिराने की धमकी दी जा रही है। देश में बढ़ते बेतहाशा डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों को लेकर वाम मोर्चा के लोगों ने सरकार के खिलाफ जुलूस निकालकर नारेबाजी की है। वहीं नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। सोनभद्र के रामलीला मैदान से वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालते हुए बड़ाली चौराहा होते हुए सदर तहसील तक एक मार्च निकाला और वहां पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत करते हुए भाकपा के जिला सचिव RK शर्मा ने बताया कि देश में लगातार बढ़ रही डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की महंगाई को लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार द्वारा डीजल, गैस, पेट्रोल के दामों को वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग बहुत जल्द सड़कों पर बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार ने जो मजदूरों के ऊपर रात दिन हमले कर रही है, जो सारे श्रम कानूनों को तोड़कर 4 श्रम कानून बनाने के उन्होंने काम किया है, इससे मजदूरों का शोषण बढ़ेगा, बढ़ रहा है और छटनी बढ़ रही है। कल कारखाना के मालिकों की मनमानी बढ़ रही है और जो हमारे श्रम विभाग में जो उनको अधिकार मिले थे उन अधिकारों को भी इन्होंने छीन लिया है। तो मजदूरों का और जो इन्होंने 1,000 रुपये घोषणा किया था देने का वो भी नहीं मिला। वहीं ड्रग विभाग ने आगरा के थाना जगदीशपुरा के गड़ी भदौरिया में अवैध रूप से चल रही मेडिकल और सर्जिकल फैक्ट्री पर छापा मार कार्रवाई की। फैक्ट्री में सिरिंज, ग्लव्स और कुछ डिवाइस तैयार किए जा रहे थे। बता दें कि फैक्ट्री किसी राजेश अग्रवाल नामक व्यक्ति की बताई जा रही है। ड्रग विभाग के जरिए मुखबिर सूचना मिली
कि जगदीशपुरा थाने के गढ़ी भदौरिया में मेडिकल और सर्जिकल सामान बनाने की फैक्ट्री चल रही है। फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही है। संचालक के पास लाइसेंस और मंजूरी दोनों ही नहीं है, जिसके बाद सूचना मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग विभाग और ड्रग इंस्पेक्टर के नेतृत्व में छापामार कार्रवाई की गई। वहीं औरैया के बावरपुर कस्बे के नवीन नगर मोहल्ले में रखी झोपड़ी में अचानक आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आने से कई जानवरों की मौत भी हो गई। इस हादसे में दो मासूम भी झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ साथ पशु चिकित्सा अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और जाँच में जुटे हैं। और उनका भतीजा राकेश कुशवाहा के छप्पर में आग लग गई, घर में आग लग गई, जिससे उनकी तीन मवेशी भैंस पड़िया और छेरी बकरी तीनों जलकर ख़त्म हो गए। छोटे बच्चों को भी हल्की सी झुलस गए, हल्के झुलस गए। और इनका मुआयना जो है देखभाल और सरकारी अस्पताल के मवेशी के डॉक्टर भी कर गए। और नगर पंचायत से जो भी वही सुल्तानपुर में एक लग्जरी बस में नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बता दें कि 28 जून की रात करीब 1 बजे कूरेभार पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान सेमरी रोड से एक लग्जरी बस देख पुलिस ने उसे रुकवा लिया। पुलिस द्वारा ड्राइवर खलासी से पूछने पर बस में सवारी न होने की बात कही गई। वही हैरानी की बात यह है कि इस घटना में नाबालिग की चचेरी बहन भी शामिल थी। फिलहाल चेकिंग के दौरान पुलिस ने लग्जरी बस से नाबालिग बालिका, उसकी चचेरी बहन, ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में शामिल एक अन्य युवक की तलाश की जा रही है। ये दिनांक 28/6/2021 की रात की, समय लगभग 1:30 बजे कस्बा चौराहे पर चेकिंग के दौरान सेमरी रोड की तरफ से लग्जरी बस नंबर UP 74T 1977 को चेक करने पर दो युवक उसमें सवार थे, एक ड्राइवर और उसी के बगल में दूसरा बैठा हुआ था। और इस पर जिन्होंने बताया कि बस में कोई सवारी नहीं, लेकिन पुलिस की टीम के द्वारा बस की पिछली सीट की सघन चेकिंग की गई तो बस की पिछली सीट के नीचे दो लड़कियां और एक लड़का, लगभग उम्र 10 वर्ष, ये पिछली सीट के नीचे बैठे हुए छिपे हुए पाए गए लड़कियों। तो दोनों लड़कों एवं लड़कियों की गई पूछताछ पर एक बहुत बड़ी घटना का रहस्य, घटना के रहस्य का पर्दाफाश हुआ। और इस घटना में ये पाया गया कि अभियुक्त बस चालक हरमंगल सिंह यादव दोनों लड़कियों को बस में कौड़ियावां के पास, और ये एक अभिनंदन ढाबा है वहाँ पर। वहीं औरैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने 7 लाख कीमत के चोरी किए गए मोबाइल बरामद कर सफलता हासिल की है। 65 बेशकीमती एंड्रॉयड मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। और ये पूरी कार्रवाई होने के बाद SP अपर्णा गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्रों से आई शिकायतों के बाद सर्विलांस टीम को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में औरैया पुलिस की पूरी टीम ने सभी मोबाइल बरामद किए हैं। जन शिकायत प्रकोष्ठ है, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हमारे पास आती हैं जिनमें लोग बताते हैं कि उनका फ़ोन कहीं खो गया है या गिर गया है। ऐसे ही फोन्स को बरामद करने का हमारे द्वारा प्रयास किया गया, जो हमारी सर्विलांस टीम है उसके द्वारा प्रयास किया गया है। और ऐसे 65 व्यक्तियों के फ़ोन बरामद करे गए हैं, 65 फोन्स बरामद किए गए हैं और इनकी अनुमानित कीमत जो है वो 7 लाख रुपए है। आज वो लोग जिनके फ़ोन खो गए थे वो भी आए हुए हैं कोतवाली परिसर में। हरदोई के शाहबाद कोतवाली में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला। युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। बता दें कि परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है। वहीं पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां पर मौजूद साक्ष्यों को इकट्ठा किया और जाँच में जुट गई है।
ये थाना शाहबाद के दौलतियापुर गांव में एक अजय कुमार नामक नवयुवक है, इनकी गन्ने के खेत में यूकलिप्टस के पेड़ से हैंगिंग दशा में बॉडी प्राप्त हुई है। अभी हमें किसी प्रकार की शिकायत परिवारजनों द्वारा नहीं की गई है। प्राथमिक जो जांच है, बातचीत है, उससे कुछ तथ्य उभर करके सामने आए हैं और इस प्रकरण में हम पोस्टमार्टम। वहीं जालौन के गोहन थाना क्षेत्र में हुई घटना में वंचित अपराधियों को गोहन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले आशीष का अपहरण कर हत्या की गई थी, जिसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन दो अपराधी भागने में कामयाब हो गए थे, जिन्हें गोहन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से अवैध असलाह और एक अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आशीष की जो डेड बॉडी है वो हमें 17/6/21 को एटा में प्राप्त हुई और उसके बाद छानबीन की प्रक्रिया में हमें पता चला कि इस पूरे प्रकरण में चार जो हैं मुलजिम हत्यारे जो हैं वो इन्वॉल्व थे। उनमें से दो की गिरफ्तारी पहले कर ली गई थी और दो अन्य की गिरफ्तारी अभी रिसेंटली अब्दुल्लापुर जो है उससे पहले एक शिव भैरव मंदिर है जो कि गोहन थाना क्षेत्र के अंदर आता है, वहाँ से इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। इनके साथ आशीष की बाइक हमें वहीं प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली के रानीगंज कैथोला बाजार में गेहूं के व्यापारी से दिन दहाड़े लाखों की लूट का मामला सामने आया। गोदाम में घुसकर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। हमारे यहाँ हम बाइक से आए, पापा जी हमारे यहाँ पे दुकान पे बैठे हुए थे, हम गेट के बाहर थे और आते ही जो है तुरंत तमंचा निकाल लिया। पांच लोग बाइक मतलब पांच लोग थे, दो बाइक पे, और उसके बाद जो है तुरंत बाइक से उतरे, उतर के अंदर आए, तीन लोग ऑफिस के अंदर आ गए और एक लोग हमें पकड़ के किनारे लेके चले गए और तमंचा निकाला, बोला जो है कि मोबाइल दो, मोबाइल ले लिया। उसके बाद तीन लोग अंदर यहाँ पे दुकान पे हमको भी मारा और पापा को मारते हुए गले से लूट करके पैसे, उसके बाद मारपीट के लगभग लगभग कितने की नकदी और क्या क्या सामान गायब किए गए? सामान गायब हुआ हमारा, जंजीर छीन लिया, एक स्मार्टफोन छीन लिया और एक रिंग, ये मेरी जो है। उसके बाद फिर गले से 1.5 लाख रुपए थे, वो भी काउंटिंग नहीं थे, ऐसे पन्नी में था जो है उसे। थाना लालगंज क्षेत्र में रानीगंज का कस्बा है, इसमें एक व्यापारी है जो गेहूँ का काम वगैरह करते हैं आढ़त का, आशीष केसरवानी, उनके यहाँ दोपहर में आज 3-4 लड़के आए और उन्होंने उनका इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।